हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अदर क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं कि अधिगम क्या है, अधिगम की बेसिक बातें पढ़ी, साथ ही साथ हमने अधिगम की हर बारीकी को समझने की कोशिश की थी। दोस्तों, आज अपन चर्चा करेंगे अधिगम के प्रकार बिल्कुल विस्तार से और उसके बाद उनके पक्ष के और फिर अधिगम की विधियों की। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अधिगम के प्रकार। तो जैसा कि हमने पिछले वीडियो में भी अधिगम की प्रकारों की चर्चा की थी, तो हमने उनको डिटेल से समझाने की फिर से आपको प्रयास किया था, परंतु आज हम उनको लिखित में और एक एक बातें फिर से समझाने की आपको कोशिश करूंगा। तो दोस्तों, स्टार्ट करते हैं अधिगम। यस, अधिगम के प्रकार। दोस्तों, अधिगम के अगर प्रकार देखें तो हमने लिखे थे तीन। कितने प्रकार पढ़े थे? तीन। यानी अधिगम तीन प्रकार का होता है। सबसे पहले हमने पढ़ा था गामक अधिगम। कौन सा? गामक अधिगम, गामक अधिगम। और दूसरा होता है प्रति बोधनात्मक अधिगम, प्रति बोधनात्मक अधिगम। और तीसरा इसका जो भेद होता है वो होता है दोस्तों संकल्पनात्मक अधिगम, संकल्पनात्मक अधिगम। यस, ये इसके तीन भेद रहेंगे। यानी गामक अधिगम, प्रतिबोधनात्मक अधिगम और संकल्पनात्मक अधिगम। तो अब बात यह आती है कि कौन सा अधिगम किस अवस्था में होता है। तो चर्चा करते हैं, देखिएगा अधिगम, गामक अधिगम पे, कि गामक अधिगम बालक कब करता है, प्रतिबोधनात्मक अधिगम कब करता है और संकल्पनात्मक अधिगम बालक को कब होता है। तो दोस्तों, याद रखना, गामक अधिगम जो होगा उससे अवस्था में होगा। कौन सी अवस्था में? शैश अवस्था में। जबकि प्रतिबोधनात्मक अधिगम जो होगा वो होगा बाल्यावस्था में। कौन सी अवस्था में? बाल्य अवस्था में। और संकल्पनात्मक अधिगम जो होगा वो होगा जी आपका किशोर अवस्था में। सबसे पहले आपको तीनों अवस्थाओं में अधिगम किस प्रकार से होता है यह आपको ध्यान में रखना है। सबसे पहले बात आती है गामक अधिगम, तो बालक शैश अवस्था में करता है। प्रतिबोधनात्मक अधिगम बाल्यावस्था में करता है और संकल्पनात्मक अधिगम बालक किशोर अवस्था में करता है। नेक्स्ट बात आते हैं कि गामक अधिगम बालक शैश अवस्था में करता है, तो इसमें कौन सी विधियां होती है? इसके अंदर बालक अनुकरण विधि से सीखेगा। किस विधि से? अनुकरण विधि से गामक अधिगम करेगा। मतलब बालक अनुकरण करके गामक क्रियाओं के माध्यम से या अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से, अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाओं के माध्यम से सीखता है। साथ ही साथ अगर बालक अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाओं से सीखता है तो यह बात निश्चित हो गई कि जो शैश अवस्था में अधिगम होता है उसके लिए साधन क्या है। दोस्तों, साधन इसमें जो होगा वो होगा संवेदना। क्या होगा? संवेदना। और संवेदना के साथ प्रत्यक्षीकरण। क्या होगा? संवेदना। और संवेदना के साथ प्रत्यक्षीकरण। देखो, संवेदना क्या होता है आपको यह भी पता होना चाहिए कि संवेदना क्या होता है। इंद्रिय जनित जो ज्ञान होता है, क्या? इंद्रिय जनित ज्ञान। इंद्रिय जनित ज्ञान ही क्या है? संवेदना है। जैसे हमारी पांच प्रकार की ज्ञानेंद्रियां हैं, उन ज्ञानेंद्रियों से हमने जो ज्ञान अर्जित किया है वो हमारी संवेदना है। क्या है? संवेदना है। इसके बाद प्रत्यक्षीकरण में जो हमने अपने इंद्रियों से ज्ञान अर्जित किया वो ज्ञान के साथ क्या जुड़ जाए? अर्थ जुड़ जाए। तो संवेदना के साथ क्या जोड़ दिया जाए? अर्थ जोड़ दिया जाए। तो बालक शिश अवस्था के अंदर जो सीखने का जो साधन है वो संवेदना और प्रत्यक्षीकरण है। अनुकरण यहाँ पे विधि रहती है। दोस्तों, संवेदना है क्या? तो याद रखिए, इंद्रिय जनित जो ज्ञान है, यानी इंद्रियों से हमने जो ज्ञान महसूस किया है, जैसे हम फिर से संवेदना पे चर्चा कर लेते हैं, जैसे हमारी पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रियां हैं, आंख, नाक, कान, जीवा और त्वचा। ये पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रियां पांच प्रकार की संवेदन क्रियाएं करेगा। यानी संवेदनाएं कितनी होंगी? पांच होंगी। जैसे आंख से जो देखकर बालक महसूस कर रहा है वो होगा उसका दृष्टि संवेदना। क्या होगा? दृष्टि संवेदना। और नाक से जो सुनकर वो महसूस कर रहा है तो वो होता है ग्रहण संवेदना। और कान से वो सुनता है तो सर्वे संवेदना। और जीवा से वो
स्वाद के बारे में पता लगाता है तो स्वाद संवेदना, और त्वचा के बारे में यानी त्वचा से वो स्पर्श संवेदना। दोस्तों ये पांच प्रकार की ज्ञान इंद्रिया किससे जुड़ी है हमारी, यानी पांच प्रकार की संवेदना, पांच प्रकार की संवेदना हमारी पांच ज्ञान इंद्रियों से जुड़ी है। तो ये कह सकते हैं ना कि इंद्रिय जनित ज्ञान, इंद्रिय जनित ज्ञान ही क्या है, संवेदना है। अगर इनके साथ अर्थ जोड़ दिया गया तो क्या हो जाता है, प्रत्यक्षीकरण। तो दोस्तों गामक अधिगम बालक शिशु अवस्था में करता है, विधि अनुकरण विधि होगी, अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाएं करके सीखता है, साधन यहां पे संवेदना और प्रत्यक्षीकरण होता है। इसके बाद अगर हम बात बाल्यावस्था की करें कि बालक बाल्यावस्था में प्रतिबोधनात्मक अधिगम कैसे करता है, प्रतिबोध का ही मतलब है उसे ज्ञान होना, यानी प्रत्यु का महसूस होना, प्रत्यय ज्ञान होना। इसके अंदर बालक को अधिक से अधिक प्रत्यु का ज्ञान करवाया जाता है, यानी बाल्यावस्था में बालक को अधिक से अधिक प्रत्यय ज्ञान के माध्यम से ये अधिकतम अधिगम कराया जाता है। अगर बालक को प्रत्यय ज्ञान करवाया जाएगा, अगर बालक को प्रत्यय दिखलाकर बताया जाएगा तो बालक उन चीजों के साथ अर्थ जोड़ लेगा, अर्थात जैसा देखेगा वैसा ही सीखेगा, जैसे उसके सामने वस्तु होगी उसके बारे में वैसा ही वो सीख जाएगा। तो यहाँ पे दोस्तों जो साधन होगा वो आपका मूर्त चिंतन होगा। क्या मूर्त चिंतन? यस, मूर्त चिंतन के माध्यम से ही बालक प्रत्यय ज्ञान करता है। जो बाल्यावस्था में इस प्रकार से जो सीखता है वो प्रतिबोधनात्मक अधिगम होता है। ओके, इसके बाद बात आती है किशोर अवस्था। किशोर अवस्था में जो बालक है अधिगम करता है वो संकल्पनात्मक अधिगम क्या है, यानी कल्पना से परे, कल्पना से परे यानी अमूर्त प्रत्यय बना लेता, जो है नहीं उसके बारे में भी कल्पना कर ले। तो यहां पे जो बात आती है कि वो अमूर्त प्रत्यय बनाता है, यानी कल्पना से भी परे या परिकल्पना या संकल्पना, अमूर्त प्रत्ययों के माध्यम से यानी मस्तिष्क में जो जो चीज है ही नहीं उसका बिंब बनाकर सीख लेता है। अगर ऐसा कर रहा है तो बालक अपनी संज्ञान क्रियाओं को, अपनी मानसिक क्रियाओं को, अपनी बुद्धि क्रियाओं को काम में लेता है, अर्थात तर्क चिंतन मनन जैसी क्रियाओं को काम में लेता है। तो यहाँ पे जो साधन है वो है आपका तर्क चिंतन और मनन, तर्क चिंतन मनन। यस, साधन क्या होगा, तर्क चिंतन है मनन होगा। इसके बाद दोस्तों अधिगम के अन्य दो प्रकार और भी हैं, जैसे एक औपचारिक और दूसरा अनौपचारिक, एक औपचारिक अधिगम एक अनौपचारिक अधिगम, औपचारिक अनौपचारिक। फिर दूसरा अगले पार्ट पे आते हैं कि अधिगम का एक भाग और भी है तो वो कौन से भेद में, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक और बाह्य यानी अब हम चर्चा करते हैं कि अधिगम का अगला पार्ट क्या है, अधिगम के अगले भेद क्या है। तो याद रखिएगा दोस्तों औपचारिक अधिगम और अनौपचारिक अधिगम होगा। तो चर्चा करते हैं औपचारिक अधिगम और अनौपचारिक अधिगम की। अब देखिए औपचारिक अधिगम यानी अधिगम के अन्य और भी दो भेद हैं, अधिगम के भेद, यस अधिगम के दो भेद अन्य और भी हैं, एक औपचारिक अधिगम है, औपचारिक अधिगम या औपचारिक सीखना, एक होता है अनौपचारिक अधिगम यानी अनौपचारिक सीखना, क्योंकि अधिगम का अर्थ है सीखना होता है और अधिगम का शाब्दिक अर्थ है सीखना होता है, और अधिगम का वैसे वास्तविक अर्थ देखा जाए तो व्यवहार में परिवर्तन होता है। तो औपचारिक अधिगम ये दो प्रकार और है। तो देखिएगा औपचारिक अधिगम और अनौपचारिक अधिगम। दोस्तों विद्यालय में जो बालक शिक्षा ग्रहण करके सीखता है वो क्या है, औपचारिक है। क्या है, औपचारिक, यानी यहां पे हम कह सकते हैं कि विद्यालय के द्वारा जो बालक ने सीखा है, विद्यालय द्वारा जो भी बालक सीखता है वो क्या है, औपचारिक अधिगम। या फिर कह दें कि शिक्षक द्वारा शिक्षण कार्य से जो सीखता है वो भी क्या है, औपचारिक अधिगम है। साथ ही साथ बालक खेल के मैदान में जो भी सीखता है वो भी आपका औपचारिक अधिगम है। परंतु अनौपचारिक अधिगम
अनौपचारिक अधिगम हमारे घर से ही शुरू हो जाता है, यानी हमारे घर से, परिवार से और हमारे समाज से। इन तीनों से बालक जो कुछ भी सीखता है, जो कुछ भी सीखता है या जो कुछ भी अधिगम करता है वो क्या होता है? अनौपचारिक अधिगम होता है। ओके, इसके बाद देखिए, बस सीधा सा याद रखिए कि विद्यालय में बालक के द्वारा जो सीखा गया वो किस प्रकार का अधिगम है, तो आप कहेंगे औपचारिक अधिगम। शिक्षक अध्यापक के शिक्षण कार्य के द्वारा बालक जो सीखता है वो किस प्रकार का अधिगम है, तो आप कहोगे औपचारिक अधिगम है। नेक्स्ट, अगर हमें पूछ लिया जाए कि बालक ने अपने घर, परिवार, समाज से जो शिक्षा ग्रहण की है या जो सीखा है वो किस प्रकार का अधिगम है, तो वो अनौपचारिक अधिगम है। नेक्स्ट आता है, अधिगम के दो और पार्ट है, एक आंतरिक होता है और एक बाह्य होता है, अर्थात निर्गमन और बहिर्गमन। क्या? निर्गमन और बहिर्गमन। तो हम नेक्स्ट चर्चा करते हैं अधिगम के अन्य दो पार्ट, जिसको हम आंतरिक अधिगम या फिर बाह्य अधिगम, निर्गमन या फिर बहिर्गमन की चर्चा करते हैं। अब देखिए, स्वरूप के आधार पर अधिगम के जो भेद हैं, किसके आधार पर? स्वरूप के आधार पर। अगर हम स्वरूप के आधार पर अधिगम के भेद करें, अधिगम के भेद तो कितने होंगे जी? मोटे तौर पे दो ही होगा, या तो आंतरिक है या फिर बाह्य है। यस, या तो आंतरिक या फिर बाह्य, आंतरिक अधिगम या फिर बाह्य अधिगम, आंतरिक अधिगम या फिर बाह्य अधिगम। दोस्तों याद रखना, आंतरिक अधिगम को निर्गमन कहते हैं। क्या कहेंगे? निर्गमन अधिगम कहेंगे, जबकि बाह्य अधिगम को आप बहिर्गमन कहेंगे। क्या कहेंगे? बहिर्गमन अधिगम। यस, समझ में आ रहा है? नेक्स्ट आगे बढ़ देखिए, अब वो आंतरिक अधिगम या निर्गमन अधिगम है, ये बालक किस प्रकार से सीखता है, कैसे बालक आंतरिक महसूस करके सीखता है? इसके तीन साधन जी, तीन प्रकार है इसके। कितने? तीन। एक होता है प्रत्यक्षात्मक। क्या? प्रत्यक्षात्मक है अधिगम। यस, पहला क्या रहेगा? प्रत्यक्षात्मक अधिगम। दूसरा जो होता है अभिवर्त्यात्मक या मनोवर्त्यात्मक होता है, अभिवर्त्यात्मक या मनोवर्त्यात्मक अधिगम। अभिवर्त्यात्मक या मनोवर्त्यात्मक अधिगम, और पहला प्रत्यक्षात्मक अधिगम, और तीसरा जो होता है वो होता है दोस्तों संज्ञानात्मक अधिगम। संज्ञानात्मक अधिगम। यस, ये तीन भेद हैं सब, जैसे किसके? आंतरिक के। आंतरिक अधिगम तीन प्रकार से बालक करता है, प्रत्यक्षात्मक, अभिवर्त्यात्मक और संज्ञानात्मक। जो दोस्तों अगर बालक प्रत्यक्षात्मक अधिगम करता है तो किस प्रकार से करेगा? तो दोस्तों याद रखना, संवेदना के साथ अगर बालक अर्थ जोड़कर जो सीखता है वो क्या होता है? प्रत्यक्षीकरण होता है। क्या? प्रत्यक्षीकरण। यानी संवेदना के साथ अर्थ जोड़कर जो बालक सीखता है, आंतरिक महसूस करके सीखता है, वो क्या है? आंतरिक अधिगम में प्रत्यक्षात्मक अधिगम। ओके, नेक्स्ट बात, यानी इसमें बालक जैसा भी आंतरिक रूप से अर्थ जोड़ ले तो बालक वैसा ही सीख गया। इसके बाद अभिवर्त्यात्मक। अभिवर्ति का मतलब होता है, यहां पे अभिवर्त्यात्मक का मतलब अभिवर्ति या फिर मनोवर्ति, अभिवर्ति या मनोवर्ति। अभिवर्ति या मनोवर्ति में, यानी यहां जैसी बालक की मनोवर्ति होती है, जैसी उसकी धारणा होती है, बालक वैसा का वैसा आंतरिक रूप से सीखता है, तो यहां पर क्या होगी? मनोवर्ति द्वारा सीखना। किसके द्वारा? मनोवर्ति के द्वारा। यानी बालक अपनी मनोवर्ति के माध्यम से जो सीखेगा, जैसा महसूस करके सीखता है, वही क्या है? मनोवर्त्यात्मक अधिगम है। दोस्तों अपन आगे मनोवृत्ति के बारे में भी डिटेल से चर्चा करेंगे, क्योंकि एक बार मनोवृत्ति के संदर्भ में पेपर में प्रश्न आ गया था और कह दिया था इनमें से कौन सा कथन गलत है, तो वहां पे चार कथन आए मनोवृत्ति के संदर्भ में,
क्यों? मनोवृत्ति को क्यों पूछ लिया? क्योंकि अधिगम का प्रमुख कौशल है। क्या है? अधिगम का प्रमुख कौशल। यस, अधिगम का प्रमुख कौशल अगर पूछ ले तो वो क्या हमारी मनोवृत्ति है, चाहे किसी व्यक्ति विशेष के प्रति हो जाए, चाहे किसी विषय विषय के प्रति हमारी धारणा बन जाए, वही क्या है? मनोवृत्ति। और जैसी हमारी धारणा होती है हम वैसा का वैसा सिद्ध है। दोस्तों, संज्ञान का मतलब ही बुद्धि से है, यानी बुद्धि का अधिगम या मानसिक अधिगम किससे? या तो तर्क से, या चिंतन से, या फिर मनन से। यहां पर मानसिक शक्तियों को काम में लेता है। किससे? मानसिक शक्तियों। मानसिक शक्तियों के द्वारा बालक जो भी सीखता है वो क्या है? आपका संज्ञानात्मक अधिगम है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट दोस्तों बहिर्गमन अधिगम। बहिर्गमन में हम एक तो कहेंगे व्यक्तिगत, क्या कहेंगे? व्यक्तिगत। और एक कहेंगे सामूहिक। व्यक्तिगत और एक सामूहिक मतलब बाहर। इस व्यक्तिगत में हम ये भी कह सकते हैं जैसे अध्यापक के द्वारा जो सीखा वो व्यक्तिगत है, किसी व्यक्ति विशेष से अगर सीखा वो व्यक्तिगत है, मतलब किसी एक व्यक्ति विशेष से। अगर वो समूह से सीख रहा है, किसे? समूह से, चाहे वो घर से सीखे, चाहे वो परिवार से सीखे, चाहे वो समाज से सीखे। यहां जो बालक सीख रहा है समूह से वो क्या है? आपका बाह्य अधिगम है। ओके, क्या है? बाह्य अधिगम। दोस्तों, ये अधिगम के अपने क्या रहते हैं? प्रकार रहते हैं। अब इस अधिगम के बारे में हमने पढ़ा, अधिगम की विशेषताओं को पढ़ा, अधिगम के गुण के बारे में पढ़ा। अधिगम के गुण और विशेषता अलग अलग नहीं है। या अब देखिए अधिगम के भेद भी कर लिए, अब अपना काम ये बच जाता है कि अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। क्या उद्देश्य अधिगम का? क्यों सीखा जा रहा है? इसके पीछे उद्देश्य क्या है? तो याद रखना, सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर उसका सर्वांगीण विकास करना ही अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। क्या बोला गया? अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सर्वांगीण विकास करना ही क्या है? अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। अधिगम का मुख्य उद्देश्य। इसके बाद अगर अधिगम का मुख्य उद्देश्य की बात पूछ ले तो जैसे टीचर पढ़ा रहा है उसका क्या उद्देश्य है? यानी शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, जैसे मैं पढ़ा रहा हूं आप सीख रहे हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपके द्वारा सीखा गया, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? यानी शिक्षण और अधिगम, शिक्षण मैं करवा रहा हूं अधिगम आप कर रहे हो, इसके पीछे क्या उद्देश्य है? यस, हमारा अधिगम प्रभावशाली होना चाहिए। जो बताया, जैसे अधिगम की विशेषता बताई अब अच्छे से याद है, तो इसका मतलब शिक्षण अधिगम का जो मुख्य उद्देश्य रहेगा वो रहेगा अधिगम को प्रभावशाली बनाना। क्या? किसको? अधिगम को प्रभावशाली बनाना। फिर बात आती है कि इस प्रभावशाली अधिगम का क्या आशय है? यस, प्रभावशाली अधिगम का आशय ये होता है कि अगर आप सीख चुके हो तो स्थायी उपयोगी अनुक्रिया करोगे, यानी उसका सही सही जवाब दोगे, तो अधिगम प्रभावशाली है। यानी स्थायी उपयोगी अनुक्रिया अगर हुई है तो अधिगम प्रभावशाली है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अधिगम के उद्देश्य, शिक्षण अधिगम के उद्देश्य और प्रभावशाली अधिगम का आशय। ठीक है, नेक्स्ट आगे के अधिगम का मुख्य उद्देश्य। यस, इस अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? यानी सिखाने के पीछे क्या उद्देश्य है? सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन करना, क्योंकि सीखना तब माना जाता है जब व्यवहार में परिवर्तन हो जाए, और वो परिवर्तन जो हम चाहते हैं। तो देखिएगा, इसको लिख सकते हैं सीखने वाले बालक के व्यवहार में वांछित परिवर्तन कर सर्वांगीण विकास करना। देखिएगा इस पंक्ति को समझे, अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों ध्यान से सुनो, सीखने वाले बालक
यानी कोई भी बालक सीख रहा है तो सीखेगा तब जब उसके व्यवहार में क्या हो जाएगा, परिवर्तन हो जाएगा। पर कौन सा परिवर्तन? वांछित, जो हम चाहते हैं, अवांछित नहीं, वांछित परिवर्तन, जो आवश्यक है। वांछित परिवर्तन करके यानी उसके व्यवहार में परिवर्तन करके बालक का सर्वांगीण विकास करना ही अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। देखिए, जब अधिगम कर रहा होगा तो शिक्षण तो अकेला नहीं रहेगा ना, तो हम कह सकते हैं देखो शिक्षण अधिगम, फिर बात आती है शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य क्या है। मुख्य उद्देश्य, इसका क्या मुख्य उद्देश्य, तो ध्यान से सुनिए। जैसे शिक्षण का मतलब यहाँ पे पढ़ाया गया है, अधिगम का मतलब बालक के द्वारा सीखा गया है, तो पढ़ाया और सीखे गए के बीच इनका उद्देश्य क्या है। अगर बेटर बाल अध्यापक ने अच्छा पढ़ाया और बालक ने अच्छा सीखा तो मतलब अधिगम प्रभावशाली है, अधिगम प्रभावशाली, तो हम कह सकते हैं अधिगम को प्रभावशाली बनाना, यस, अधिगम को प्रभावशाली बनाना ही क्या है शिक्षण अधिगम का मुख्य उद्देश्य है। नेक्स्ट दोस्तों, अब बात आती है कि प्रभावशाली अधिगम का क्या आशय है, किसका प्रभावशाली अधिगम का आशय या इसका क्या आशय है भाई, आप कब मानोगे अधिगम प्रभावशाली हुआ है? तो हम तब अधिगम को प्रभावशाली मानेंगे जब बालक से हमने कुछ पूछा और उसने उसका सही सही जवाब दे दिया, यानी कहें कि उपयोगी अनुक्रिया कर दी, यानी स्थाई उपयोगी अनुक्रिया करना, क्या स्थाई उपयोगी अनुक्रिया करना ही क्या है प्रभावशाली अधिगम का आशय है। आशय की जगह वो तात्पर्य भी दे सकता है, आगे बात समझ। इसके बाद हमने अधिगम के गुणों को पढ़ा या विशेषताओं को पढ़ा, अधिगम के भेद पढ़े, अधिगम का उद्देश्य क्या है, शिक्षण अधिगम का उद्देश्य क्या है और प्रभावशाली अधिगम का आशय, ये बातें हमने जानी। अब आपको ये सभी बातें आती, यानी बालक जब अधिगम कर रहा है, बालक सीख रहा है तो किन किन विधियों से सीख रहा है, कौन कौन सी विधियां इसमें अपना रहा है, बालक किन विधियों के माध्यम से यहाँ पे अधिगम कर रहा है या किन विधियों के बालक के द्वारा सीखा गया और उनके व्यवहार में परिवर्तन हो गया, वो कौन कौन सी विधियां हैं, उन विधियों की चर्चा करते हैं कि सीखने की विधियां या अधिगम की विधियां कौन कौन सी हैं। क्योंकि दिमाग में अब तो ये विचार आ ही रहा होगा कि भाई चलो बालक सीख रहा है तो कैसे सीख रहा है, कौन कौन सी विधियों से सीख रहा है, जैसे बालक करके सीखता है या निरीक्षण करके सीखता है या परीक्षण करके सीखता है या पूर्ण विधि आंशिक विधि के द्वारा सीखता है या अपनी सूझ के द्वारा तर्क चिंतन को काम में ला रहा है या फिर अभ्यास से सीख रहा है। तो हम बात करते हैं सीखने की विधियां, बालक किन किन विधियों से सीखता है, बालक किन किन विधियों को अपनाकर अधिगम करता है। ओके, नेक्स्ट चर्चा करते हैं अपन, देखिए अधिगम की विधियां इनको पढ़ेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं जिससे बालक सीखता है। देखो दोस्तों, सबसे पहले बालक जो सीखता है वो करके सीखता है, करके सीखना, चाहे वो कामक क्रियाओं से हो चाहे अनुवर्त प्रतिवर्त क्रियाओं से। इसके बाद बालक निरीक्षण करके सीखता है, चाहे वो प्रत्यक्ष वस्तु हो चाहे स्थूल वस्तु हो, तो निरीक्षण के द्वारा। इसके बाद परीक्षण विधि के द्वारा, यानी बालक करके सीखना, निरीक्षण विधि, निरीक्षण विधि, यस, इसके बाद हम कह सकते हैं परीक्षण विधि के द्वारा परीक्षण करके। इसके बाद एक और होती है, उसको कहेंगे हम सामूहिक विधि, क्या सामूहिक, सामूहिक में एक विधि नहीं होती दोस्तों, सामूहिक में अनेक विधियां होती है। सामूहिक विधि में जैसे बालक वाद विवाद करता है, क्या वाद विवाद, जैसे वाद विवाद से सीखा, किससे वाद विवाद, वाद विवाद के द्वारा सीखा है। इसके बाद वाद इसी सामूहिक विधियों में, यानी अधिगम की सामूहिक विधियां कौन कौन सी है, वाद विवाद है, वर्कशॉप विधि है, कौन सी वर्कशॉप,
वर्क्स ऑफ विधि क्या है? दोस्तों इसमें विभिन्न विषयों की सभाओं का आयोजन किया जाता है, जैसे मैथ की या साइंस की विज्ञान, जैसे विज्ञान मेला लगता है, वो वर्कशॉप में ही आता है, यानी विभिन्न विषयों की सभाओं का आयोजन करना। फिर इसी प्रकार से कई बार आपने सुना होगा विचार गोष्ठी, विचार गोष्ठी में विषय से इस करके यानी कुछ नया विचार करके, या फिर प्रोजेक्ट विधि, किससे प्रोजेक्ट विधि भी क्या है, सामूहिक विधि है। फिर आती है डाल्टन विधि, कौन सी डाल्टन विधि, और डाल्टन विधि के बाद आती है बेसिक विधि। दोस्तों आपको याद रखना है कि सामूहिक विधि में कौन कौन सी विधियां सम्मिलित हैं, वाद विवाद है, वर्कशॉप है, विचार गोष्ठी है, प्रोजेक्ट है, डाल्टन है, बेसिक है। ओके, इसके बाद सामूहिक विधि के बाद एक आपकी सूझ, सूझ विधि। इसमें बालक अपने तर्क, चिंतन, मनन करके सीखता है। इसके बाद आती है अभ्यास विधि, कौन सी अभ्यास विधि, इसके माध्यम से बालक बार बार अभ्यास करके उन चीजों को स्थायी कर लेता है। पर एक इसके बाद एक अन्य विधि आती है जिसको कहेंगे हम मिश्रित विधि, कौन सी मिश्रित विधि। दोस्तों मिश्रित विधि जो होगी इसके दो पार्ट हो जाते हैं, एक तो होती पूर्ण विधि और एक होती आंशिक विधि। क्या होगी, एक तो होगी पूर्ण विधि और एक होगी आंशिक विधि। तो पूर्ण विधि और आंशिक विधि में क्या होता है? यस, देखिए पूर्ण विधि में बालक को पाठ्य पुस्तक का पूर्ण ज्ञान करवा दिया जाता है। पूर्ण विधि के अंदर बालक को संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का ज्ञान करवा दिया जाता है, तो वो पढ़ गया पूर्ण विधि। यानी बालक संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का जो ज्ञान करके सीखता है वो कौन सी, पूर्ण विधि। जैसे विद्यालयों में जो बालक को जो शिक्षा दी जाती पूर्ण विधि में, परंतु पूर्ण विधि कब, जब आंशिक विधि काम करती है तब, यानी पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे खंडों में बांटकर पढ़ाया जाता है, या पाठ्य पुस्तक को छोटे छोटे आंशिक छोटे छोटे खंडों में बांटकर जो ज्ञान दिया जाता है या जो सिखाया जाता है वो कौन सा अधिगम या कौन सी विधि होगी, मिश्रित विधि होगी। तो दोस्तों याद रखना, सीखने की विधियां करते सीखना, निरीक्षण द्वारा या फिर परीक्षण द्वारा, सामूहिक विधि द्वारा। सामूहिक विधि में वाद विवाद, वर्कशॉप, विचार गोष्ठी, प्रोजेक्ट, डाल्टन, बेसिक विधि होगी। इसके बाद हमने पढ़ा सूझ विधि या फिर अभ्यास विधि, और फिर इसके बाद पढ़ा हमने मिश्रित विधि। तो मिश्रित विधि को हम दो भागों में बांटेंगे, एक होती पूर्ण विधि और एक होती आंशिक विधि। पूर्ण विधि में संपूर्ण पाठ्य पुस्तक का ज्ञान दिया जाता है, और आंशिक विधि में पाठ्य पुस्तक को खंडों में बांट कर ज्ञान दिया जाता है। अब इसके बाद आता है अपना अगला पड़ाव, क्या अधिगम का प्रमुख कौशल जिसको हम मनोवृत्ति कहते हैं। तो दोस्तों मनोवृत्ति के संदर्भ में अगले वीडियो में अपन पढ़ते हैं अच्छे से बेसिक, अब उसके बाद मनोवृत्ति को पढ़ेंगे, और मनोवृत्ति के बाद हम अधिगम के डेफिनेशन पढ़ेंगे। अधिगम की डेफिनेशन के बाद अधिगम का सही कड़ी क्या है, सही क्रम क्या है, बालक किस प्रकार से सीखता है, इनकी चर्चा करेंगे। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसा लगा, अगर आपको अच्छा लगा हो तो लाइक करिएगा और अपने मित्रों में अभी का अभी शेयर करने का। ओके, इसी के साथ ऑल द बेस्ट, थैंक यू।